तो चलिए, आपको बता रहे थे कि किस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे, साथ ही पंजाब की 4 सीटों पर भी उपचुनाव एक साथ होंगे। चुनावों के ऐलान के बाद सभी पार्टी के सुप्रीमो पूरी तैयारियों के साथ जुट गए हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर कहा कि चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को लेकर पाकिस्तान की ओर से करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा, जिस समागम में वो खुद सीएम अमरिंदर सिंह शामिल होंगे। साथ ही पंजाब कांग्रेस के सभी सांसद और विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मैं क्या सी कि साड़ी परंपरा नहीं है इस काम वास्ते कि तुसी पैसे दे के मत्था टेको। ये जजिया टैक्स हुंदा सी और असी जजिया टैक्स वास्ते बिल्कुल सहमत नहीं और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं असी इन्फॉर्म कर देता है। और सर जिहड़ा सारी कैबिनेट जाएगी, सारे मंत्री, सारे एमएलए जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? लेके किस तरह तैयारियां हैगी हैं, क्योंकि कितना कितने जिहड़ी डाक हलके दी हैगी उस सीट असी सारियां सीटां लड़ांगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना ना भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।